नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के द्वारा जनसंचार एवं पत्रकारिता में PhD टेस्ट HJU PAT 2021 से 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2021 से 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। अंडर ग्रेजुएट एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संदर्भ में हमने पूर्व वीडियोज़ में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे PhD प्रोग्राम के संदर्भ में। सबसे पहले हम जानेंगे एडमिशन शेड्यूल के संदर्भ में। एडमिशन शेड्यूल दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 में PhD में प्रवेश परीक्षा HJU PAT हेतु निम्नानुसार प्रवेश कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। प्रवेश का विज्ञापन जारी तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म की उपलब्धता 25/7/2021। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31/8/2021। आवेदन पत्रों की जांच 1/9/2021 से 4/9/2021। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 9/9/2021। प्रवेश परीक्षा की तिथि 18/9/2021। उत्तर कुंजी प्रकाशन, उस पर आपत्तियां व उनका निस्तारण 25/9/2021, 22/9/2021 एवं 30/9/2021। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन, परीक्षा परिणाम 4/10/2021। विभागीय शोध समिति DRC द्वारा साक्षात्कार का आयोजन होगा 21/10/2021 को। सूची तैयार कर प्रकाशित करना 23/10/2021। प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना 25/10/2021 से 28/10/2021। कोर्स वर्क प्रारंभ होगा 10/11/2021 से। इस तरह से हमने शेड्यूल के संदर्भ में जानकारी ली। अब बात करेंगे हम एडमिशन पॉलिसी के संदर्भ में। रिसर्च सेंटर एंड PhD दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। Only those candidates who have secured 55% marks in the post-graduate examination, any subject, यानी किसी भी subject का जो अभ्यर्थी है इसमें आवेदन कर सकता है, will be eligible for admission to the PhD program. Post-graduation PG के अंदर 55% marks से उत्तीर्ण होना चाहिए। Students appearing in PG final exam of सेशन 2020 से 2021 में भी also अप्लाई फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे अभ्यर्थी जो PG के फाइनल ईयर एग्जाम में अभी पास आउट हैं या अपियरिंग हैं या उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वे भी अभ्यर्थी इस PhD एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन कर सकते हैं। ए रिलैक्शन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स फ्रॉम 55% टू 50% में भी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC MBC EWS डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम। तो यहाँ 5% की जो छूट है दी गई है
जो आरक्षित श्रेणी के जो वर्ग हैं उन्हें। कैंडिडेट्स विथ एमफिल, नेट, जारेब, स्लेट, सीएसआईआर, टीचिंग फेलोशिप विल नॉट बी ग्रांटेड एनी एग्जम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो छूट नहीं दी गई है इन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो एमफिल स्टूडेंट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, स्टेट हो, सीएसआईआर या टीचिंग फेलोशिप हो, सभी को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एनी टीचर वर्किंग ऑन ए परमानेंट बेसिस हु हैज़ कंप्लीटेड 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन आइदर ए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और एन एफिलिएटेड कॉलेज ऑन ए फिक्स्ड रीम्यूनरेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म्स विल आल्सो नॉट बी ग्रांटेड एनी एग्जम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी यहाँ सभी अभ्यर्थियों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एग्जम्पशन के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है, एनी स्टूडेंट हु हैव अर्नड ए कल्चर एक्सचेंज फेलोशिप और ए फॉरेन ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट में बी ग्रांटेड एग्जम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन HGUPAT। फॉर दिस पर्पज ए सेल्फ फाइनेंस्ड फॉरेन स्टूडेंट विल नीड टू ऑप्टेन एलिजिबल फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज ए स्टूडेंट ऑफ एनी फैकल्टी। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन टू PhD कोर्स विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट। केवल यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर PhD में एडमिशन लिया जाएगा। कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन HGUPAT विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। यानी यहाँ जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है HGUPAT के अंदर 50% होना चाहिए और अदर जो आरक्षित जो वर्ग है उन्हें 5% यहाँ छूट दी गई है, तो यहाँ 45% जो क्राइटेरिया है रखा गया है। कैंडिडेट्स क्लियरिंग द एंट्रेंस टेस्ट विल बी इंटरव्यूड एंड ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन बोथ द एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू। एडमिशन टू PhD कोर्स विल बी granted on the basis of this merit list. Admission can be granted only for the vacant seat in the university department. तो यहाँ पर सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 50% का रखा गया है। इसके अलावा जो आरक्षित जो वर्ग है, आरक्षित वर्ग को यहाँ पर 45% जो मार्क्स वो लाने होंगे। इसके पश्चात शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके पश्चात एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बेस पर यहाँ पर जो सिलेक्शन है लिया जाएगा वैकेंट सीट के आधार पर। अब बात करेंगे हम वैकेंट सीट के संदर्भ में, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 15 सीट है जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनमें SC में 2 सीट हैं, ST में 2 है, BC में 3 है, MBC में 1 सीट है, EWS में 2 सीट है, UR में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 5 सीट है। इसलिए टोटल 15 जो सीट है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सिलेबस के संदर्भ में अगर हम देखें, द सिलेबस ऑफ HJUPAT शेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड 50% बेस ऑन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। कोर्स वर्क है तो कोर्स वर्क के संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं। 4 पेपर होंगे कोर्स वर्क के अंदर। यहाँ पर तो इस तरह से क्वालिफिकेशन, सीट्स, एलिजिबिलिटी के संदर्भ में हमने यहाँ जानकारी ली। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो अप्लाई नाउ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अप्लाई, पे फी एंड फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में हम जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर इफ़ ऑलरेडी इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी यस या नो, एप्लीकेंट नेम कैटेगरी ए, सेलेक्ट कैटेगरी, इसके पश्चात माइनॉरिटी कैटेगरी, मदर्स नेम,
कैटेगरी बी कैटेगरी सी फादर्स नेम एप्लीकेंट आधार नंबर DOB एप्लीकेंट वोटर आईडी नंबर जेंडर मेरिट स्टेट कॉन्टैक्ट डिटेल लोकल एड्रेस एप्लीकेंट मोबाइल नंबर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। उसके पश्चात अप्लाई प्रोग्राम, यहाँ मीडियम सेलेक्ट करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके पश्चात यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे PhD के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं MA JMC BHMC PG डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यहाँ PhD के लिए अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर PhD सिर्फ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में होती है, यानी जन संचार एवं पत्रकारिता में ही PhD कराई जाती है। इसके पश्चात क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परसुइंग यस या नो, यानी आप वर्तमान में परसुइंग है या कंप्लीट हो चुकी है। एजुकेशन डिटेल आपको यहाँ भरनी है, जिसमें सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कलर फोटोग्राफ, वेटेज सर्टिफिकेट इफ एनी, डिक्लेरेशन एप्लीकेंट एंड सबमिट। तो इस तरह से हम आसानी से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेबस के संदर्भ में। प्रोग्राम दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। रिसर्च PhD, PhD में रिसर्च PhD यहाँ पर हम देख सकते हैं। रीड मोर पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ पर सिलेबस फॉर द एडमिशन टेस्ट, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी अनेक्जर सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिलेबस फॉर द HJU PhD एडमिशन टेस्ट पेपर फर्स्ट जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का है, यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है, थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स लॉजिक रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट एट्थ नाइन्थ टेंथ पेपर सेकंड है। सिलेबस ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस ऑफ द पेपर सेकंड इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ HJU.ac.in। तो हम यहाँ देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर, यूनिट फाइव, यूनिट सिक्स, यूनिट सेवन, यूनिट एट, यूनिट नाइन, टेन। तो यहाँ 10 जो यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। इस PDF फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इस वेबसाइट पर पहुंचकर एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ में RBCV तजसम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBCV तजसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।